केंद्र सरकार में पूर्व में रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अकस्मात निधन होने से देश और प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को हार्ट अटैक होने के चलते एम्स में भर्ती किया गया था, जहां देर रात देहांत हो गया। उनकी मौत के समाचार से देश और प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सदर भाजपा मंडल के द्वारा मंडी स्थित विश्राम गृह जिला में प्रेस सचिव भाजपा नेता मनीष कपूर के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूर्व विदेश मंत्री और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला प्रेस सचिव व भाजपा नेता मनीष कपूर ने कहा कि पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के निधन से पार्टी कार्यकर्ता स्तब्ध है। वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश की पहली महिला विदेश मंत्री रही और देश के विकास में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शिमला में लगातार हो रही बारिश से हिमाचल में भूस्खलन का सिलसिला जारी है। शिमला के शानन में पहाड़ी से आए पत्थर सड़क किनारे पार्क एक होंडा अमेज गाड़ी पर आ गिरे, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया है, जिससे एक तरफा यातायात चल रहा है। वहीं शिमला जिला के चौपाल थाना क्षेत्र कुपवी के सहजखंड रोड पर रोहाना बाजार से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक बलेरो कैम्बर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जबकि 3 अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। गाड़ी विकास नगर से कुपवी की ओर जा रही थी। मृतक व्यक्ति व घायल व्यक्ति की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पूर्व देश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के बाद जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं नौणी आसपास की पंचायतों के लोग भी सुषमा स्वराज की इस तरह अचानक दुनिया छोड़ जाने से आहत हैं। वहीं सुषमा स्वराज के निधन के बाद करीब 6 पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने नौणी के पंचायत हॉल में इकट्ठा होकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लोगों ने इकट्ठा होकर पहले दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उसके बाद उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं जिला सोलन के पर्यटन प्रकोष्ठ के सदस्य जगदीप सिंह कंवर ने कहा कि आज का दिन संपूर्ण भारत के लिए दुख का दिन है। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सामर्थ्य प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में पढ़ने वाले छात्रों को भारी भरकम फीस से परेशानी झेलनी पड़ रही है। तकनीकी विश्वविद्यालय की फीस HPU की तुलना में 3 गुना अधिक वसूले जाने पर छात्रों ने विरोध जताया। इसी के चलते हमीरपुर उपायुक्त हरकेश मीणा के माध्यम से कुछ छात्रों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन भेजकर फीस वृद्धि को कम करने की मांग की है। छात्रों ने बताया कि वे प्रथम सेमेस्टर में 42,000 रूपए फीस अदा कर चुके हैं और अभी तीसरे सेमेस्टर में 36,000 से ज्यादा फीस वसूली जा रही है। छात्रों कहना है कि प्रदेश के निर्धन परिवारों से संबंध रखने वाले छात्र इतनी भारी फीस नहीं अदा कर पा रहे हैं, जिससे पढ़ाई बाधित होने की समस्या बन गई है। आर्थिक गणना के लिए 15 अगस्त के बाद काम शुरू हो जाएगा और गणना के लिए घर घर जाकर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। आर्थिक गणना के लिए हमीरपुर के BDO सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में आर्थिक गणना को लेकर टिप्स भी दिए गए और बताया गया कि किस तरह से लोगों को डाटा एकत्रित करना है। सांख्यिकी विभाग के अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त के बाद आर्थिक गणना शुरू होगी और इसके लिए कार्यशाला के माध्यम से वॉलंटियर को जागरूक किया जा रहा है, ताकि सही ढंग से आर्थिक गणना का काम हो सके।